हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ रसमलाई केक, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए केक लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं, 3 लेयर किया, क्रीम लगाया और उसके बाद रसमलाई डाल दिया टुकड़े करके। इसके बाद फटाफट इसको चिपका देते हैं। इसके बाद कट कर दिया। तो आप लोग सोच रहे हैं क्यों कट कर दिया। इसको मुझे हार्ट शेप में बनाना है, क्योंकि ऑर्डर ही हार्ट शेप में था, इसलिए मैं राउंड को ही हार्ट शेप आप लोगों के सामने बदल दिया। तो चलिए फटाफट आइसिंग करता हूँ। ऊपर क्रीम लगानी है, इसके बाद थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हुए, क्योंकि हार्ट शेप है ये, पूरा ही राउंड नहीं घूमता। बहुत ही प्रॉब्लम होती है आइसिंग करने में, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो आई होप कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही है, 2 मिनट 2.5 मिनट का। तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। देख रहे हैं कि मैं पट्टी ले लिया और पट्टी साइड से मार के ऊपर से नाइफ से मिस कर दिया। तो स्क्वायर वाले बेस पर उतार दिया। उतारने के बाद ऑलरेडी हम इसके ऊपर लगा दिए रिबन। तो हमारी कंपनी का रिबन है, जैसे कि बेकरी का नाम है जो पेस्ट्री, तो उसको लगा के रेडी कर दिया। तो थोड़ा सा लिक्विड क्रीम से उसके ऊपर डेकोरेट करना है। थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड किया, थोड़ा लाइट लग रहा था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा डाल के ऐड कर दिया। तो पाइपिंग बैग में क्रीम डालते हैं डेकोरेट करने के लिए। आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा इससे क्रीम निकलती है। तो चलिए फटाफट मारता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये छोटे छोटे मार दिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा इधर भी खाली लग रहा था तो मैं इधर भी मार दिया। इधर मारने के बाद अब चलिए हम इसके ऊपर रसमलाई लगाते हैं। तो ऑलरेडी हम केकों के लिए छोटे छोटे रसमलाई बनाते हैं, वैसे रसमलाई बहुत बड़ी होती है। तो केक के ऊपर अगर छोटे छोटे लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम लगा दिए। ये क्या है आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। ये केसर है, जो कि बहुत ही महंगा आता है, ये भी रसमलाई में ऑलरेडी पड़ता है। तो ये भी आपको नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, ये पिस्ता है। अगर आपको कुछ भी पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। और ये रोज की पत्ती भी डाल दिया इसके ऊपर सूखा हुआ। तो हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ऐसे ही नए नए केकों के लिए। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।